बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे, आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था, आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी। लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा? पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है, हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे, कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। नाइन इलेवन पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा क्या होता है। इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते, दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान, और खुसूसन बॉम्बे में। बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर वन रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर टू जिम्मेदार जो पॉलिटिशियन पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं, सब रोकना नामुमकिन है, 100% कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंदर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में, एक
1500 मुसलमान का कत्ल होता है, मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता मुसलमान होते, 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी, हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में एक हफ्ते बाद जो वापिस था वो प्लान था पूरा, इट वॉज प्लान हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर वन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर दो जो पॉलिटिशियन पावर में थे उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर तीन आम जनता, आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त है, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर तीन रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर चार पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी, जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते, क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की? वन जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे, और कायम करते वन जज कमीशन श्री बी एन कृष्ण को, श्री बी एन श्री कृष्ण को, श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है, साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है, हमें गर्व है उसके ऊपर, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी, और कोई जस्टिस को भी कोशिश की लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे, कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहता हूं जस्टिस श्री कृष्ण डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है, मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे गट से उसने। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल, नाम ले रहे पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा अकेला शख्स, नाम लेके कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर नाम भी लिया त्यागी, दैट टाइम ज्वाइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी बाबरी मस्जिद नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें, नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर वन है पॉलिटिशियंस, इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फखर है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है क्या पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे? एक आम जो हिंदुस्तानी है खुसूसन हम मुस्लिम,
ہم مسلمان، چاہے پولیٹیشن ہمیں دھوکہ دیں گے، چاہے کئی بار پولیس دھوکہ دیں گی، لیکن انڈین جوڈیشری سسٹم پہ ہمیں گرو ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کیا یہ جوڈیشری سسٹم کو پولیٹیشن کی بھنک نہ لگے، ورنہ خدا اس دیش کو بچا سکتا ہے. بامبے رائٹس کے بعد جو دسمبر 92 میں ہوا تھا اور جنوری 93 میں، دو مہینے بعد 12 مارچ 1993 میں ہوتا ہے بامبے میں سیریل بم بلاسٹ. 13 بم پھٹتے ہیں، 13 بم دھماکے ہوتے ہیں بامبے میں، جس میں 250 سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں گھائل ہوتے ہیں. اس ٹائم کہنا تھا ہو سکتا ہے کہ بم بلاسٹ مسلمانوں نے کیا تھا. 2 سال پہلے جب تقریر کی تھی، اس کے چند دن بعد یہ ورڈک آنے والا تھا، یہ جو کیس چل رہا تھا بامبے بم بلاسٹ 93 کا، جب تقریر کی تھی اس ٹائم کیس کا ججمنٹ نہیں آیا تھا. جسٹس شری کرشنا کہتے ہیں کہ یہ بم بلاسٹ واز اے ریئیکشن، اور یہ بم بلاسٹ کے پہلے اور رائٹس کے بعد جنوری فیبری 1993 میں ماحول بمبئی میں مسلمان کے لیے بہت گمبھیر تھا. جب مسلم، عام مسلم سڑکوں پہ چلتے تھے، جب وہ ٹرین میں ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، بس میں جاتے تھے، لوگ انہیں گھورتے تھے، ان کو تانے مارتے تھے، مسلمان کا سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہو گیا. بم بلاسٹ ہونے کے بعد حالت بدل گئے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ بے گناہ انسان کی جان لینا غلط ہے. اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگ کو قتل کرو. اکثر مسلمان جاننے کے بعد کہ یہ بم بلاسٹ جو ہوا بمبئی میں 1993 مارچ میں غلط تھا، غیر اسلامی تھا، پھر بھی اکثر مسلمان خوش ہوئے. کم از کم ہم سر اٹھا کے چل تو سکتے ہیں. جسٹس شری کرشنا کہتے اٹ واز اے ریئیکشن آف دا مسلمز. اور اس کے کیس کے بارے میں بعد میں ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بے گناہ غیر مسلم کا قتل نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی اور غیر مسلم نے آپ کو تکلیف دیا، اور آپ کوئی اور غیر مسلم کو تکلیف دیں گے یہ بالکل ان اسلامک ہے. یہ جو 250 لوگ مرے بمبئی میں بم بلاسٹ کے ذریعے، اس کا ذمہ دار کون؟ کون لوگ؟ وہی لوگ جو بابری مسجد کے اندر اپوزیشن پارٹی نے جو گیدرنگ کی. نمبر 1 نمبر 2 کیوں؟ اپوزیشن نے کی ووٹ بینک کے لیے. نمبر 2 پولیٹیشن جو پاور میں تھے جان بوجھ کے نہیں روکا، نہیں تو سیٹ چلے جائیں گی، وہ ریسپانسیبل ہے. نمبر 3 عام جنتا جو پولیٹیشن کے بہکاوے میں آ گئی. نمبر 4 جو پولیس روک سکتی تھی نہیں روکی. نمبر 5 جو لوگ نے رائٹس کیے دسمبر 92 اور جنوری 93 میں، وہ لوگ ریسپانسیبل تھے. مہاراشٹر کے پولیٹیشین رولنگ اینڈ اپوزیشن، وہی لوگ صدر سب کے پولیٹیشینز.